के पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल, कैसे रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज। आज मेष राशि के जातक सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके व्यय भाव में राहु और आपका राशि स्वामी अपने भाव से अष्टम जाकर के इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आपने कोई नया कारोबार शुरू किया तो आपका पहला निर्णय ही नुकसान कराने वाला साबित होगा। इसलिए सोच समझ करके पूरे विवेक के साथ आज कोई निर्णय लीजिएगा। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में दिन भर व्यस्तता आपकी बनी रहेगी और किसी छोटी सी बात पर भाई के साथ कुछ अनबन भी हो सकती है, जिसे होने से आपको बचाना चाहिए। और ग्रह स्थिति ये है कि आपके छठे भाव का केतु इस बात का संकेत कर रहा है कि बेवजह का सरदर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र छठे भाव में स्वगृही है। छठे भाव का शुक्र जब स्वगृही होता है, डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये खर्चा बड़ा बेतरतीब बढ़ाता है। इसी तरह से 12वें भाव का शुक्र जो ज्योतिष में होता है, वो तो लग्जरियस आइटम पे पैसे खर्च करवाता है। तो भाई, आपके पास पैसे रहेंगे तब ना खर्च करोगे। तो 12वें का शुक्र तो अच्छा ही होता है, आपके पास पैसा है तो आप खर्च करेंगे। लेकिन छठे भाव का शुक्र जो है, ये बेवजह के खर्चे बढ़ा करके आदमी को मुसीबत में डाल देता है। तो आज आप अगर बेवजह के खर्चे करेंगे तो आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं। हाँ, अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड सिग्नल, आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन गुस्सा तो भूल के भी मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा आपके रिश्तों को भी खराब कर सकता है। खान पान पर कंट्रोल रखिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई हस्ताक्षर ना करें, भगवान शिव की विधि पूर्वक उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मिथुन राशि पर राशि स्वामी बुध की पूर्ण दृष्टि है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके किसी पुराने निवेश से धन लाभ होगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, नई नौकरी के लिए अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बुध बृहस्पति का 5वां-9वां संबंध है। लेकिन इसमें शनि मड़ऊ योग कारक है, इसलिए अगर आप आवेदन भी करेंगे तो इसका रिजल्ट 29 फरवरी 2024 के बाद ही आएगा। इसको नोट कर लीजिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, मौसमी बीमारियां खुद से आपको परेशान कर सकती हैं। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। चलिए, कर्क राशि है तो अच्छी बात यह है कि आपका राशि स्वामी भले ही मकर राशि में बैठा हुआ है, लेकिन आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। किसी कारोबारी डील में आपको आज धन लाभ होने वाला है। आप लापरवाही भी करेंगे तब भी भगवान की कृपा आपके साथ है। ऑफिस में किसी बड़े काम की आप शुरुआत करेंगे, घर में मेहमान आ सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है,
तब तो आप अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। उधार का लेन देन आज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान अगर आप बांट सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। शुभंक आपके लिए 5 है, शुभरंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेंगे सिंह राशि का, राशिफल आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है जानते हैं। देखिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका चंद्रमा व्यय भाव का स्वामी होकर व्यय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जब व्यय भाव को व्ययस देखेगा तो धार्मिक कार्यों पर तो खर्च होगा ही, हो सकता है कि मां की बीमारी पर भी खर्च हो, कोई बुरी बात नहीं है। ऑफिस में रुके हुए काम आपको निपटाने होंगे, खूब पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, बिगड़े रिश्तों में सुधार होगा। योग प्राणायाम करिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नई प्रॉपर्टी के पेपर अच्छे से जांच लीजिएगा। असल में सिंह राशि के जातकों के अंदर एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है, ये दुर्गुण ये होता है कि इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, या तो इतना विश्वास कर लेंगे कि जिसकी खुश सीमा नहीं, और या तो चिढ़ जाएंगे तो इतना चिढ़ जाएंगे कि फिर उस आदमी को कभी शकल उसकी नहीं देखना चाहेंगे। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। न तो अति आत्मविश्वास आपका अच्छा है, और न किसी से इतना ज़्यादा चिढ़ना अच्छा है कि वो मतलब कि खराब हो जाए। दोनों में बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वास तो किसी का नहीं करना चाहिए बिना पूरी तरह से जांच परख किए। हाँ, माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाएं, थोड़े समय तक ध्यान पूजन करें। शुभंक आपके लिए 3 है, शुभरंग आपके लिए केसरिया है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभंक और शुभरंग जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी धनु राशि में बुध स्थित है। कन्या राशि से आजीविका भाव का स्वामी बुध अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो मुझे पूरा अनुमान है कि आज आपको धन लाभ होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा, और यदि आप विवाह योग्य हैं तो नए रिश्ते के प्रस्ताव आ रहे हैं, आ जाएंगे, विवाह का योग भी बन रहा है। अगर आपकी उम्र 44 से 45 साल के ऊपर है तो आपको सर्वाइकल और पीठ का दर्द परेशान कर सकता है, आपकी जिद आपका नुकसान करा सकती है। भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करें। शुभंक आपके लिए 9 है, शुभरंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेंगे तुला राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है, लेकिन व्यय भाव में केतु है, तो धन से जुड़ा फैसला अगर आप कोई ले रहे हैं तो ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी तुला राशि है तो आपके धन भाव में सूर्य के साथ मंगल है और मंगल धनेश होकर के अस्त हुआ पड़ा है, तो इसलिए पैसे से जुड़ा अगर कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हैं तो इसमें नुकसान की भी संभावना है। हाँ, किसी दूसरे के भरोसे पर अपना काम आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए, और आपका शांत स्वभाव बिगड़े रिश्तों को भी सुधार सकता है। नकारात्मक विचार लेकिन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभंक आपके लिए 2 है, शुभरंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य और मंगल की स्थिति है, लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल अस्त है, तो इसलिए भाई संभल करके खर्च करिए। कहीं अगर निवेश कर रहे हैं तो उस पर 100 बार सोच लीजिए। लालच में आकर के अगर आप कोई निवेश करेंगे तो पश्चाताप के अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।
और अधिकारियों से वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी। बाहरी खान पान आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए सात है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहा है, लेकिन आपके केंद्र में राहु है महाराज, तो ऐसे में पैतृक संपत्ति मिलने का योग है, लेकिन विवाद मत बढ़ाइएगा पैतृक संपत्ति के लिए। हाँ, अगर आप थोड़ी बुद्धिमत्ता दिखाएंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा होगी, और भाई से यदि कोई पुराना विवाद है वो भी खत्म हो जाएगा। आँखों से संबंधी कोई समस्या, कोई परेशानी हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान मत करिए। पीपल पर सरसों के तेल का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए पाँच है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मकर राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मकर राशि में इस समय चंद्रमा का गोचर है, ठीक है, और द्वितीय भाव में शनि है, तृतीय भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति है। तो इससे एक बात तो साबित हो रही है कि यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आमदनी का कोई न कोई जरिया तो आप ढूंढ लेंगे, और नौकरी में भी तरक्की मिल सकती है, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौटेंगी, लेकिन लापरवाही करने पर चोट चपेट की भी संभावना है, सतर्क रहें। लंबी यात्रा हो सके तो टाल दें। सूर्य को अर्घ दें। शुभ अंक आपके लिए एक है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि आपके राशि में है, और आपके द्वितीय भाव में राहु है, और द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है। ऐसे में नए कारोबार में निवेश के लिए दिन ठीक माना जाएगा। ऑफिस में सहकर्मी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान बनेगा। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, किसी को अपना वाहन बिल्कुल ना दें, जरूरतमंदों में दवाइयां दान करें। शुभ अंक आपके लिए नौ है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे मीन राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। चलिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है भैया, ऐसे में किसी प्रॉपर्टी डील में आपको धन लाभ होगा, और ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह जाने से बचिएगा, पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करिएगा। शुभ अंक आपके लिए छह है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी।